हेलो स्टूडेंट, आज हम रियल फंक्शन की वीडियो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो फंक्शन होता है रियल फंक्शन, उसकी डोमेन भी क्या होती है? रियल। और रेंज भी क्या होती है? रियल। सॉरी, रेंज नहीं, कोडोमेन क्या होती है? रियल। अब आपको डोमेन और कोडोमेन और सबसे पहले रेंज पता होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नंबर है 6 7 8 9 है। मान लीजिए 1% है वो, देखिए 1% इसके घर जा सकता है। 1% क्या 2 जनों के घर जा सकता है एक साथ? 1% 2 जनों के घर एक साथ नहीं जा सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नोट फंक्शन। देखिए यहां पर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं मैंने लेफ्ट साइड में, जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो ये वाई की वैल्यू है इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 6 और 7 के साथ दिखाया है, जैसे मैंने, मान लो ये है कि रिलेशन, मतलब फंक्शन नहीं है ये, क्या है? एक रिलेशन। तो रिलेशन मैंने 1 का दिखाया है 6 और 7 के साथ, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे प्री इमेज। क्या बोलेंगे? प्री इमेज। और जहां पर ये रिलेशन बन गया उसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। और अगर मैं इसमें कहूँ डोमेन में क्या क्या एलिमेंट है, तो यहाँ पे डोमेन में एलिमेंट कौन से है? 1 2 3 4 एंड 5। एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ, तब उससे और क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 लिख देती हूँ। मान लो 1 का रिश्ता 1 के साथ है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का 7 के साथ, मान लो ये है। और अब मैं अगर इसमें से एक नंबर और एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 9 दे दिया। अब मुझे इसमें से डोमेन लिखनी है, तो डोमेन कौन से नंबर है जो हमें दिखाई दे रहे हैं? सारे के सारा पूरा सेट जो होगा वो डोमेन होगा, है। और प्री इमेज कौन सी है? प्री इमेज का अगर मैं सेट बनाऊं तो जिस जिस का रिलेशन बनाए, किस किस का रिलेशन बनाए, देखिए सभी एलिमेंट का रिलेशन बन गया, तो सभी के सभी एलिमेंट प्री इमेज में आ जाएंगे आ जाएंगे। अब हमें देख रहे हैं यहाँ पे कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी वाई के एलिमेंट है वो सारे क्या है? कोडोमेन। तो कौन कौन से है? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हो गए। और रेंज में क्या आएंगे? रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज बनी है, मतलब रेंज हो या इमेज हो एक ही बात है। देखिए इमेज किस किस की बनी है? 8 की 5 की 6 की और 7 की। किस किस की बनी है? 8 5 6 और 7 की। 9 की इमेज नहीं बनी, इससे ये इमेज में काउंट नहीं होगा, ना ही वो रेंज में काउंट होगा। ओके, तो ये। और फंक्शन क्या होता है? देखिए जैसे मान लो हमने ही बनाया 1 2 3 4। अब बहुत सारे लोग एक जने के घर जा सकते हैं ना, सब लोग एक जने के घर जा सकते हैं, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। तो हमने देखा कि जब 2 की प्री इमेज 1 हो गई, 2 लोगों की प्री इमेज 1 हो गई, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इमेज 1 हो सकती है लेकिन प्री इमेज 1 नहीं हो सकती। जब प्री इमेज 1 हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि प्री इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक। फंक्शन की क्या कंडीशन है? प्री इमेज मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक। और जो इमेज है, इमेज कैंट बी यूनिक। इसमें इमेज जरूरी नहीं है कि मे बी यूनिक और मे नॉट बी, मे बी यूनिक। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? फंक्शन। अब देखिए हम पढ़ते हैं, तो रियल फंक्शन क्या होता है? अगर डोमेन एंड कोडोमेन, देखिए ये डोमेन और ये कोडोमेन, दोनों के दोनों कैसे क्या होंगे? सबसेट होंगे रियल नंबर के। देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में मतलब हमारे जो रेशनल इरेशनल सभी तरह के नंबर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ आ जाता है हमारा रियल नंबर के ऊपर। तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, शॉर्ट में हम रियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखिए ए और बी मान लो 2 लिए, तो ए यहाँ पे सबसेट किसका होगा? रियल नंबर का। बी भी यहाँ पे सबसेट किसका होगा? रियल नंबर का। तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये जो एक्स है उसको क्या बोलेंगे? डोमेन, डोमेन का एलिमेंट। और जो वाई है उसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इमेज, इमेज, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रियल फंक्शन, इफ एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन विद फाइनाइट डोमेन। इसे क्या कह रखा है? एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी डोमेन कैसी है? फाइनाइट। तो एफ कैन बी डिस्क्राइब बाई लिस्टिंग द वैल्यू विच इट अटेन्स एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ इमेज। तो हम इसमें वैल्यू बता सकते हैं अलग अलग, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे एफ एक्स बराबर x² + 1 और एफ एक्स बराबर है 2 sin x + 3। हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे रियल फंक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए
हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एफ एक्स दे रखा है हमें x प्लस वन बाय एक्स, अब मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स की क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की क्यूब बराबर है लैम्डा एफ ऑफ वन बाय एक्स है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो एफ ऑफ एक्स की क्यूब मतलब जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या पुट कर दूंगी मैं, एक्स की क्यूब, बस यही करना है। एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना है मुझे, एक्स की क्यूब को, तो मैंने एक्स की क्यूब यहां लिखा और एक्स की क्यूब यहां लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स की क्यूब कर दो, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास अब मुझे लेफ्ट में क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स की क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स की क्यूब क्या आएगा, देखिए जो भी फंक्शन है ना दोनों तरफ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब कर दिया एक्स प्लस वन बाय एक्स की क्यूब, क्यूब कर देंगे यहाँ पे, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी की क्यूब क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए क्या है हमारा x, x की क्यूब, b क्या है हमारा 1 बाई एक्स उसकी क्यूब, प्लस में 3 इंटू ए प्लस बी। अब 3 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स लिख दिया हमने, तो एफ ऑफ एक्स, अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की क्यूब क्या आ गया, एफ ऑफ ये हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब, देखिए एफ एक्स की क्यूब है ना, और प्लस में क्या आ गया, थ्री एफ एक्स आ गया। अब हम इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे, देखिए सेम है ये वाली टर्म भी सेम है, एफ ऑफ वन बाई एक्स भी सेम है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थ्री, थ्री आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस दो डिवाइड में एक्स माइनस वन, देन एक्स बराबर एफ वाई होगा या नहीं हमें चेक करना है। तो देखिए वाई बराबर एफ एक्स है, अब मैं क्या पुट करूंगी, जहाँ पे भी एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इक्वल टू दिस वन है, तो एफ एक्स हमें पता है एक्स बराबर एफ वाई होता है, तो पुट एफ एक्स की देखो जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर रखा है वाई, और हम क्या करेंगे जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह वाई पुट कर दो, तो एक्स है तो उसकी जगह क्या पुट करना है वाई, तो ये क्या बन जाएगा एफ वाई, और एफ वाई किसके बराबर है एक्स के, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करना है वाई, तो वाई प्लस दो डिवाइड में वाई माइनस वन बन गया ना, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा एफ एक्स बराबर है कोस लोग एक्स, देन हमें एफ एक्स एफ वाई माइनस वन बाई टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोस लोग एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है कोस लोग एक्स, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एफ वाई चाहिए और एक्स बाई वाई भी चाहिए, तो एक्स बटे वाई, तो रिप्लेस कर दो एक्स बाई वाई, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में एक्स है वहां पे एक्स बटे में वाई लिख दिया। अब हम जानते हैं लोग एम बाई एन का रूल क्या होता है, लोग एम माइनस लोग एन, क्या रूल होता है, लोग m माइनस लोग n, वो रूल लगाया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, f ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ एक्स वाई निकालूंगी, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगी एक्स वाई, पुट कर दिया। अब हमारे पास एक रूल होता है लोग एम एन, क्या होता है लोग m प्लस लोग n, वो रूल लगा दिया मैंने लोग x प्लस में लोग y। अब हम राइट हैंड साइड में देखिए ये सारी वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये पूरी रकम उतारेंगे एफ ऑफ, देखिए सबसे पहले इसने एफ ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई और एफ ऑफ एक्स वाई ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, पहले इसको सोल्व कर रहा है, ये दोनों जोड़ देंगे। तो देखिए जब मैं जोड़ती हूँ दोनों को, तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या है, कोस लोग एक्स माइनस लोग वाई, इसकी वैल्यू क्या है कोस लोग एक्स प्लस में लोग वाई। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, ये हम फॉर्मूला खोलेंगे। देखिए अब मैं इसको एक बार नोटबुक पे करके दिखाती हूँ आपको, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन था, कोस लोग एक्स माइनस लोग वाई प्लस में कोस लोग एक्स प्लस में लोग वाई, अब इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला खोलना है, तो इसको क्या लिखूंगी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा टू कोस सी क्या है हमारा ये पूरा, डी क्या है हमारा ये पूरा, तो लोग एक्स माइनस लोग वाई है उसमें लोग एक्स प्लस में लोग वाई जोड़ दिया और डिवाइड बाय टू और कोस, अब सी लिखा लोग एक्स माइनस लोग वाई और ये दोनों माइनस में जाएंगे, माइनस का लोग एक्स माइनस का लोग वाई और डिवाइड बाय टू हो गया। अब देखिए ये कैसे बनेगा, टू कोस लोग वाई से लोग वाई कैंसिल, तो क्या बना ये टू लोग एक्स बटे में दो, ये कोस लोग एक्स से लोग एक्स कैंसिल, ये क्या बना माइनस का टू लोग वाई डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल और टू से टू कैंसिल, तो ये बना टू कोस लोग एक्स और कोस लोग वाई, कोस लोग वाई, क्योंकि लोग कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस के कोस थीटा, कैसा होता है प्लस के कोस थीटा, तो देखिए मैच कीजिए क्या यही है, यस टू लोग टू कोस लोग एक्स और कोस लोग वाई आ गया ये हमारा। अब देखो इसको क्या करके वन बाई टू से मल्टीप्लाई, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे वन बाई टू, तो अब आगे वन बाई टू लगा देना, तो वन बाई टू करेंगे तो दो से वन बाई टू कटेगा तो दो खत्म,
हो गया हमारा, और वो कह रखा है कि एफ एक्स गुना में एफ वाई के देखिए बराबर है या नहीं। देखिए क्या ये हमारा एफ एक्स है, देखिए एफ एक्स है ना, क्या ये हमारा एफ वाई है, क्योंकि x की जगह y पुट करें तो एफ वाई है, तो ये एफ एक्स एफ वाई है, तो एफ एक्स एक्स वाई में से दोबारा से एफ एक्स एक्स वाई गया तो क्या आएगा हमारा आंसर, जीरो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आया आपको नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है ए बी सी तीन रियल नंबर है और एफ एक्स हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सच डेट ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जोड़ तो थ्री है, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें समीशन निकालना है 1 से लेकर 10 और एफ एन का समीशन निकालना है। देखिए हमारे पास एफ एक्स गिवन है, गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है आगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस में एक्स वाई, ये हमें दे रखा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ, देखिए पहले मैं एफ ऑफ जो हमें गिवन है ना वो लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है ना। हाँ अब मैं क्या करूँगी, इसमें रिप्लेस कर दूंगी, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दूंगी, क्या पुट कर दूंगी, एक्स प्लस वाई, ए बाहर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी बाहर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई प्लस में सी लिख दिया, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ वाई की वैल्यू क्या है, बस एक्स की जगह वाई पुट कर दो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और यहाँ पे प्लस में क्या है, एक्स वाई लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व आउट करती हूँ, मैं इसको सोल्व नोटबुक पे करती हूँ, देखिए हमारे पास क्या रकम आई है, ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में सी बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी प्लस में एक्स वाई। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई, सी में सी जोड़ा टू सी प्लस में एक्स वाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया ए से तो ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में टू ए एक्स वाई प्लस में बी एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस टू सी प्लस में एक्स वाई। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए वाई स्क्वायर से ए वाई स्क्वायर कैंसिल, बी वाई से बी वाई कैंसिल, दो सी से एक सी कटा तो यहाँ पे सी बचा, तो ये क्या बचा, टू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स, देखिए बी एक्स से भी बी एक्स कट गया तो बी एक्स कैंसिल है यहाँ पे। अब ये वाली रकम इधर आके माइनस में हो जाएगी, माइनस का तो एक्स वाई माइनस का सी बराबर जीरो, तो हमारी ये रकम बचेगी, देखिए यही हमारी बची हुई है इसमें। तो अब मुझे एक बार बताइए यहाँ से मैं देखाऊँ, अब हमें इन कोफिशियंट को किसके एक बार रखूंगी, जीरो के, ठीक है कंपेरिजन करके, तो टू ए माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी जीरो आ गई। इन दोनों वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर थ्री, देखो ए और बी, ए और सी की वैल्यू पुट करी यहाँ पे तो बी की वैल्यू क्या आ गई फाइव बाई टू, तो ये वैल्यू ए बी सी तीनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन हो गया, हो गया। अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, समीशन कहाँ तक निकालना है, वन से लेकर टेन टर्म्स का, तो मैं यहाँ पे देखो एन लिख दूंगी, एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगी, एन से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हमें दे रखा है समीशन एन इक्वल टू वन से लेकर टेन वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस में पांच बटे दो एन, इतना दे रखा है, देखिए समीशन मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी, वन बाई टू समीशन ऑफ एन स्क्वायर एन बराबर है वन से लेकर टेन प्लस में फाइव बाई टू समीशन ऑफ एन दे रखा है, ये भी एन क्या है वन से लेकर टेन वन बाई टू, देखिए एन स्क्वायर का समीशन क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटे में छः, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है प्लस में फाइव बाई टू बार है, समीशन ऑफ एन क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए ये कैसे कैंसिल हो रहा है, दोनों में कॉमन है एन इंटू एन प्लस वन बटे में दो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा टू एन प्लस वन बटे में छः, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो कॉमन है तो यहाँ पे बचा पाँच बटे दो, एन इंटू एन प्लस वन बटे में दो, दो और छः का एलसीएम छः, ये जाएगा टू एन प्लस वन, ये जाएगा तीन पे, तीन पंजो पंद्रह, तो ये बनेगा हमारा एन एन प्लस वन बटे में दो और टू एन प्लस में पंद्रह रेखे हो गए सोलह बटे में छः। अब इसमें हम दो कॉमन ले लेंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, दो मैंने लिया कॉमन तो यह बचा एन प्लस एट बटे में कितने आएंगे छः, दो से दो कैंसिल। अब मैं एन की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी दस, क्योंकि टर्म कितनी है दस, दस पुट कर दीजिए, दस दस में एक जोड़ा ग्यारह गुना में वन बटे छः, दस में आठ जोड़ा तो कितने हो जाएंगे अठारह, छः से कटाइए तीन पे, दस को तीन से गुना किया तीस गुना में ग्यारह तो थ्री थर्टी आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा थ्री थर्टी, देखिए हो गया ना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसी तरीके की हमारी ये क्वेश्चन है,
तो अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे जेई मेन वाला। देखिए जेई मेन का क्वेश्चन क्या है, गिवन अल्फा प्लस में ए बराबर दे रखा है 1 और बीटा प्लस में बी बराबर दे रखा है 2। ऑल्सो ए ऑफ एफ एक्स प्लस में अल्फा एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर है बीटा एक्स प्लस में बी बाई एक्स, और हमें वैल्यू बतानी है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 बाई एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो देखिए जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो मैं एक्स की जगह, देखिए हमें ये फंक्शन दे रखा है, मैं इसमें क्या करूंगी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगी 1 बाई एक्स पुट कर दूंगी। तो x को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया 1 बाई एक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a f ऑफ 1 बाई एक्स अल्फा, और 1 बाई एक्स का अगेन 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा x, यहाँ पे बीटा x की जगह 1 बाई एक्स बीटा, और 1 बाई एक्स का अगेन रेसिप्रोकल x बन जाएगा। अब मुझे देखिए दोनों को ऐड करना है ऊपर, क्या करना है दोनों को ऐड, तो एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स को हम ऐड करेंगे। तो देखिए हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो दोनों में a कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई अल्फा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया बीटा, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है b, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों के अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस अल्फा, इधर दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा बीटा प्लस बी। अब हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये रकम इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। अब आपके पास क्या गिवन है, हमें दे रखा है अल्फा प्लस ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और बीटा प्लस बी की वैल्यू है 2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है बीटा प्लस बी की जगह 2 पुट कर देंगे, इसकी जगह 1, तो 2 इंटू हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या रखा डिवाइड में x प्लस 1 बाई एक्स करूँ, तो मैं इसको इसके डिवाइड में ले जाऊंगी, ले गई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आया आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारे जेई मेन के हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमें क्या रखा इफ एफ एक्स इज डिफाइन ओन, हमें जो फंक्शन है वो 0 से 1 इंटरवल पे डिफाइन दे रखा है, और एफ एक्स क्या है एक्स कब होगा अगर एक्स क्यू का मतलब रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, 1 बाई एक्स कब 1 माइनस एक्स कब होगा जब एक्स इरेशनल में बिलोंग करेगा, मतलब वो रेशनल में बिलोंग नहीं करेगा, और एक्स यहाँ पे 0 से 1 इंटरवल के बीच का कोई रेशनल नंबर है, और हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें एफ एक्स गिवन है एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, तो एफ एक्स रिप्लेस कर दिया 1 एफ ऑफ यहाँ पे क्या पुट करूंगी x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है कि एफ ऑफ ये 1 माइनस एक्स हो गया, मतलब फंक्शन लगा दूंगी, क्या लगा दूंगी x पे फंक्शन लगा दिया मैंने। अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स ये हमारा एफ ऑफ एक्स, अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है x जब x रेशनल है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह जब x रेशनल है तो इसकी वैल्यू क्या है x, और इसकी वैल्यू क्या है भाई इरेशनल ना होने पर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कट गया माइनस माइनस प्लस एक्स। तो हमने देखा रेशनल हो या इरेशनल हो दोनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है x, तो ये किस में बिलोंग कर रही है रियल नंबर में आ गया। नेक्स्ट देखिए हम इसमें एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये रिमार्क पढ़िए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल के लिए, क्या कर रखा है अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी डिग्री कितनी है n, और वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ एक्स गुना में एफ ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब x का और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट किसके बराबर है सम के, किसके बराबर है उसके सम के, देन एफ एक्स पॉलिनोमियल जो बनता है वो बनता है 1 प्लस माइनस x की पावर n, क्या बनता है 1 प्लस माइनस x की पावर n, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। देखिए क्या दे रखा है प्रोडक्ट प्लस में सम, प्रोडक्ट प्लस में सम, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है एफ एक्स बराबर 1 प्लस माइनस x की पावर n, और n यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है जैसे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर है एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और हमें एफ ऑफ 3 बराबर दे रखा 28, तो एफ 4 की वैल्यू निकालनी है हमें, निकालनी है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे रिजल्ट का यूज करूंगी, देखिए हमें पता है वो पॉलिनोमियल क्या आएगा, या तो हमें दे रखा था 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, मतलब पॉलिनोमियल आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो हमारे दो पॉलिनोमियल आ गए यहाँ पे, या तो ये या ये। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 है तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई 3, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर देती हूँ, तो माइनस 3 की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू, अब इसने क्या रखा है 28। अब देखो माइनस 3 की पावर एन इक्वल टू 28 माइनस 1 कितने हो गए 27,
माइनस थ्री की पावर एन कभी भी थ्री की पावर एन माइनस उधर दे देती हूँ माइनस 27, हमें पता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। इस बार मैं इसमें तीन पुट कर दे, क्या पुट कर रही हूँ, तीन पुट कर रही हूँ किसमें, x की पावर n प्लस 1 के अंदर। तो 3 की पावर n प्लस 1 बराबर है 28 के, 28 में से बन गया 27, वो मुझे पता है 3 की पावर 3 होती है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, आगे n की वैल्यू। फिर मुझे f4 निकालना है, तो f4 निकालना है तो x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 4, क्या पुट कर दूंगी 4, तो 4 की क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें यूज करना है। तो जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमें करना है, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से मतलब तैयार हो जाए आपका ये। देखिए लेट जी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सेटिस्फाइंग जी एक्स गुना में जी वाई। देखिए दो का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, दो के सम के, प्लस में जी ऑफ एक्स वाई माइनस का दो। देखिए ये तो अलग क्वेश्चन है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, एक्स वाई दोनों रियल हैं और हमें दे रखा है जी टू बराबर 5, देन जी 5 की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें दे रखा है जी टू गुना में जी 1, मैं क्या करूंगी, जी की जगह 2 है ना, जी की जगह 2 पुट कर रही हूँ और x को 2 ले रही हूँ और y को 1 ले रही हूँ। ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऐसे लेना है, देखिए g2 की वैल्यू 5 है और g5 की मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ x की जगह 2 और y की जगह 1, पुट कर दिया g2 g1 प्लस में g2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस का 2 हो गया। अब g2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो 5 गुना में g1, g2 की वैल्यू 5 प्लस में g1, G2 की वैल्यू 5 माइनस के 2, 5 और 5 कितने हो गए 10, G1 से G1 कैंसिल बाद में होएगा, देखिए 5 कितने हो गए 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये क्या बनेगा 8 प्लस में G1 बनेगा, वो बराबर 5 G1 माइनस G1 बराबर कितना है 8, 5 में से गया 4 G1 बराबर 8, तो यहाँ पे G1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 को 4 से भाग किया 2, कितनी आ गई 2, तो जीवन की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने इसको जानबूझकर वो फॉर्मूला बनाने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, तो y की जगह पुट कर दूंगी 1/x, क्या पुट कर दूंगी 1/x, पुट कर दिया जी एक्स प्लस में जी ऑफ 1/x, और यहाँ पे क्या है x की जगह क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, तो g1 माइनस के 2 पुट कर दिया मैंने। अब जी एक्स प्लस में जी ऑफ 1/x प्लस में जी एक्स प्लस में जी ऑफ 1/x प्लस में g1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई 2 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल। हम जानते हैं इस ये जो होता है वो हमें एक पॉलिनोमियल देता है, तो हमें ये पॉलिनोमियल क्या दे रहा है x की पावर n प्लस 1, क्या दे रहा है x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, देखिए इसमें क्या पुट करना है मुझे 5, क्या पुट करना है 5, तो पहले इसने x की जगह 2 पुट किया है क्योंकि 2 की हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ताकि हम n निकाल लें, तो इसने 2 पुट कर दिया, तो 2 की पावर n प्लस 1 इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, फिर हम इसमें x की जगह 5 पुट कर लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x बराबर है 3x और x क्या है नॉन जीरो, देन s बराबर क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एफ ऑफ माइनस एक्स बताना है हमें क्या होगा। तो इसने चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम इसको सोल्व करके देखते हैं। पहले देखिए हमें दे रखा है एफ एक्स प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x बराबर है 3x, क्या दे रखा है 3x। अब मैंने रिप्लेस कर दिया x को 1/x से, तो यहाँ पे भी 1/x, ये रेसिप्रोकल होके 3/x आ गया। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, देखिए फर्स्ट और सेकंड को देखिए इनको मैं ऐड कर देती हूँ, ऐड किया तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x, एक मिनट मैं इसको नोटबुक पे लिखती हूँ बेटा। देखिए हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x बराबर क्या है 3x, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया आप रेसिप्रोकल पुट कर दिया करो। अब मैंने पुट किया x की जगह 1/x पुट किया, देखिए एफ ऑफ x की जगह 1/x ट्वाइस, 1/x का उल्टा एफ एक्स, 3/x हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। अब मुझे कैंसिल करने के लिए देखिए दोनों में हाँ कॉमन हो जाएगा और हम उसकी जगह पुट कर सकते हैं 1/x एंड दिस वन। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुना कर दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा 2 × 4 एफ ऑफ 1/x और 3 × 6x, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब मैं क्या करूँगी इसको सेकेंड में से थर्ड को घटा देती हूँ, घटाऊंगी, ये क्या है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x बराबर क्या है 3/x, ये क्या है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 4 ऑफ एफ ऑफ 1/x बराबर क्या है 6x, दे रखा है, घटाऊंगी ये कट गया, ये घटाना है,
तो यहाँ पे चार में से एक गया माइनस के तीन एफ ऑफ वन बाई एक्स बराबर क्या है थ्री बाय एक्स माइनस का सिक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए तीन कॉमन हो जाएगा, तीन माइनस का तीन कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस का वन बाय एक्स प्लस का एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, तो एफ ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स माइनस वन बाय एक्स, क्या आ गई एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब इसे पुट कर दो, वन बाय एक्स को एक्स रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वन बाय एक्स माइनस का एक्स आ गई। अब हमें क्या दे रखा है बेटा, जो हमें गिवन है ना वो हम पुट कर लेंगे। अब हमें गिवन क्या है, देखिए मैंने वैल्यू निकाल ली एफ एक्स की भी और एफ ऑफ वन बाय एक्स की। मुझे गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस में दुगुना, हमें गिवन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, हमें ये निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस का वन बाय एक्स और प्लस का एक्स हो गया ना, तो ये बना एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो इसे कह रखा है ये एम्प्टी सेट है, कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट, तो इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगी, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन बाय एक्स, इसको गुना किया तो एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन। तो कितने एलिमेंट रख रहा है ये, दो एलिमेंट, ईजी था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। दो इक्वेशन को सोल्व कीजिए, सिंपल सा है, जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो पुट कर दीजिए एक्स की जगह वन बाय एक्स, पुट किया, पुट करने के बाद एलिमिनेशन मेथड से किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो एफ एक्स की निकाल लीजिए, चाहे एफ ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के बाद जैसे मैंने एफ ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वन बाय एक्स को मैं अगेन रेसिप्रोकल कर देती हूँ, मतलब वन बाय एक्स को मैं एक्स पुट कर देती हूँ, तो वन बाय एक्स की जगह क्या एक्स पुट किया, तो एक्स की जगह वन बाय एक्स और वन बाय एक्स की जगह एक्स। फिर इसमें हमें क्या रखता है माइनस एक्स पुट करो, मैंने इसमें माइनस का पुट कर दिया, पुट करने के बाद उसको जीरो के एक बार रखे एक्स की वैल्यू निकाल के देख ली, ओके इजी था ना, बुक में आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा था ये। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब इसकी वैल्यू माइनस एक्स की आई है माइनस का रूट टू और प्लस का रूट टू, और हमारी क्या आई है प्लस माइनस वन, तो हो सकता है इसमें मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो, वो आप चेक कर लेना, क्योंकि ये थ्री एक्स के इक्वल था, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना मिस्टेक को, ओके। तो लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आएगी टू, देखिए एक बार मैं अपनी मिस्टेक ही चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारे पास फंक्शन आ गया था एफ ऑफ एक्स, तो इसे क्या रखा है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इक्वल है तो होगा ऐसा, इसे क्या रखा है यहाँ पे इक्वल है दिस वन एफ ऑफ माइनस एक्स देन एक्स एम्प्टी है, इसमें यहाँ पे तो गिवन कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको ये वाला स्टेप तभी लेंगे जब हमें दे रखा हो, ओके इसे हमें ये तब नहीं लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा एफ एक्स बराबर है, ये जेई मेन वाला क्वेश्चन करते हैं हम, फोर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वन के इक्वल नहीं है, और एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है वन अपॉन में वन माइनस एक्स, और एफ ऑफ एन प्लस वन दे रखा है एफ ऑफ एफ एन एक्स, क्या दे रखा है एफ ऑफ एन एक्स, और हमें एन की वैल्यू दे रखी है जीरो वन टू एन सोन, देन द वैल्यू ऑफ एफ हंड्रेड थ्री एफ वन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमें देखिए वी हैव एफ जीरो एक्स, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वन अपॉन में वन माइनस एक्स, और हमें फॉर्मूला दे रखा है कि एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स क्या होता है एफ जीरो एफ एन एक्स दे रखा है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे एन की जगह क्या पुट करूंगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे एन को जीरो से शुरू करना है, तो यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट किया, जीरो पुट किया तो ये क्या बनेगा एफ वन एक्स एफ जीरो, यहाँ पे एन की जगह क्या पुट करना है जीरो, जीरो पुट कर दिया। अब मुझे बताओ एफ जीरो एक्स की वैल्यू क्या है, एफ जीरो एक्स की वैल्यू है वन अपॉन में वन माइनस एक्स, एफ जीरो बार इसकी वैल्यू क्या है वन अपॉन में वन माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं वन अपॉन में वन माइनस एक्स इसमें पुट कर दूंगी, तो देखिए वन डिवाइड में वन माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने वन अपॉन में वन माइनस एक्स। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी वन माइनस एक्स, एलसीएम लूंगी तो वन माइनस एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा ये एक्स माइनस वन बटे में एक्स। अब मैं इसी तरीके से एन की जगह क्या पुट करूंगी वन, वन पुट करते ये टू बन जाएगा एफ जीरो, ये एफ वन एक्स बन गया, एफ वन एक्स की वैल्यू क्या है ये पुट कर दो एक्स माइनस वन बटे में एक्स आ गई, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे एक्स की जगह वन अपॉन में वन माइनस, अब एक्स की जगह क्या पुट करूंगी एक्स माइनस वन बाय एक्स पुट करूंगी, सोल्व करने के बाद मेरा एक्स आया। ऐसे करते करते हम निकालेंगे, हमने देखा पहली बार वन पे आया एक्स माइनस वन बाय एक्स, टू पे आया एक्स, और थ्री पे इवन और ओड का देखेंगे हमने कि इवन और ओड में कैसा आ रहा है, कि एफ थ्री एक्स पे हमारा एफ जीरो एक्स के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा एफ जीरो एक्स, ये आपको करके देखना है, ठीक है। तो हम इवन और ओड में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसने क्या रखा है इन जनरल एफ थ्री एन, मतलब जब वो तीन का मल्टीपल है तो वो एफ जीरो एक्स आ रहा है, जब वो तीन का मल्टीपल नहीं है थ्री एन प्लस वन है तो एफ वन एक्स आ रहा है, और जब थ्री एन प्लस टू है तो वो एफ टू एक्स आ रहा है, वो आप करके देखना, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा, फिर उस हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे,
जैसे मैंने एफ वन एक्स की तो वैल्यू निकाली x माइनस वन बाई एक्स, क्या निकाली x माइनस वन बाई एक्स, और एफ टू एक्स की वैल्यू निकाली है x, निकाली है, और अब इसने क्या रखा है एफ थ्री एक्स निकालो, एफ थ्री एक्स निकालूंगी तो यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करूंगी, n की जगह क्या पुट करूंगी टू, एफ जीरो एफ टू एक्स पुट हो गया, एफ जीरो एफ टू एक्स की वैल्यू क्या है x, तो ये कहाँ पे पुट होएगी इसमें, तो ये सेम ही है वन माइनस एक्स, तो बताओ क्या ये एफ जीरो एक्स के बराबर है ना, तो एफ थ्री एन पे तो इसके बराबर हो गया। अब मैं इसमें फोर पुट करूंगी, फोर फोर पुट किया फोर एन हो गया ना, ये फोर एन थ्री, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या पुट करा है थ्री पुट किया है, तीन पुट करते ही ये चार एन हो गया एफ जीरो, और ये एफ थ्री एक्स हो गया, हो गया एफ जीरो, एफ थ्री एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एफ जीरो एक्स, सेम है एफ जीरो, और एफ जीरो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास वन अपॉन में वन माइनस एक्स, है ना, और एफ जीरो एफ जीरो वन अपॉन में वन माइनस एक्स किसके बराबर है एफ वन एक्स के, किसके बराबर है ये एफ वन एक्स के, तो हमने देखा थ्री एन प्लस वन पे एफ वन एक्स आ रहा है, और थ्री एन पे क्या रहा है एफ जीरो एक्स, ऐसे ही थ्री एन प्लस टू पे निकाल लेंगे, देखिए ऐसे करके देख सकते हो बाप आप आराम से कर लेंगे। करने के बाद अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सौ पे, अब देखिए सौ क्या है, जैसे सौ को किया मैंने, सौ को तीन से भाग कीजिए, तीन तीये नौ, तीन तीये नौ और एक बचा, मतलब ये क्या है थ्री एन प्लस वन है क्योंकि रिमाइंडर एक बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है एक, तो इसमें आपको फंक्शन थ्री एन प्लस वन वाला एफ वन एक्स लेना है, और एफ वन एक्स फंक्शन क्या है हमारा एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हंड्रेड पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको हंड्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ वन टू बाई थ्री, वन है तो एफ वन की वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पे टू बाई थ्री पुट हो जाएगा, एफ टू में थ्री बाई टू पुट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको फंक्शन की पहचान करनी है। अब देखिए ये कुछ रिजल्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको याद भी रखने हैं, देखिए कोई भी फंक्शन है अगर वो पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी है एन, देन देखिए एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वन बाई एक्स, एक्स और उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का जोड़ बराबर होता है प्रोडक्ट के, तो हमारा फंक्शन होता है वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन, क्या होता है वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अगर एफ कोई फंक्शन है जो रियल से रियल में जा रहा है और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टुकड़े हो जाते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई, देखिए एक्स प्लस वाई के फंक्शन में टुकड़े हो गए एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो हमारा एफ एक्स किसके बराबर होता है एक्स गुना में एफ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, ये वाला रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर सम के बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, तो हमारा एफ एक्स फंक्शन जो है उसको निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है वो फंक्शन होता है एक्स बाहर एफ वन, क्या होता है एक्स बाहर एफ वन। अगर कोई फंक्शन रियल से रियल में जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अब देखिए यहाँ पे तो सम के बराबर था और यहाँ पे बराबर है प्रोडक्ट के, किसके बराबर है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में हो जाता है एफ वन की पावर एक्स, क्या हो जाता है एफ वन की पावर एक्स। इन दोनों रूल से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन के देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना प्रोडक्ट में पावर हो जाती है एफ वन की और सम में एक्स बाहर आ जाएगा, सम में एक्स बाहर आ जाएगा। अब देखिए जेई मेन का ही इस रूल से रिलेटेड ही पहला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या है एफ एक्स प्लस एफ वाई। अभी हमने देखा अगर सम ऐसे खुलता है तो एक्स बाहर आ जाता है, क्या बाहर आ जाता है एक्स और एफ ऑफ वन, फंक्शन निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है। तो बताइए एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें दो दे रखी है तो हमारा क्या बन गया ये फंक्शन टू एक्स हो गया। होने के बाद अब हमें समीशन निकालना है वन से लेकर एन एफ के का, तो वन से लेकर एन टू के दो बाहर और वन से लेकर के टर्म का जोड़ क्या होता है, देखिए मुझे जैसे ही आ गया हमारा समीशन एन इक्वल टू वन से लेकर के और हमारा फंक्शन आ गया टू एक्स आ गया, दो बार ले लिया। अब समीशन एन इक्वल टू वन से लेकर के और यहाँ पे एन है तो एन टर्म्स का जोड़ का फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले मैंने एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्या फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, एन की जगह क्या पुट करना है मुझे के, तो के इंटू के प्लस वन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के इंटू के प्लस वन। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो तुरंत हो जाएगा हमारा आंसर, और के की जगह क्या पुट करना है फिर हमें एन, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स वाई और एफ वन की वैल्यू दो दे रखी है, तो देखिए आपको ये हिंट भी मिलेगा पेपर में एफ वन की वैल्यू दी होगी तो भी आप ये पता लगा लोगे। देखो एफ एक्स बराबर ये होता है एफ वन की पावर एक्स, तो यहाँ पे एफ वन की वैल्यू क्या है दो, दो की पावर एक्स हो गई। देखिए अब हमारे पास हमारे दे रखा था एफ ओफ एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा था एफ एक्स एफ वाई और एफ वन की वैल्यू दो दे रखी थी और हमें समीशन निकालना था वन से लेकर एन एफ के का। मैंने बताया था जब प्रोडक्ट के बराबर होता है तो वो होता है एफ वन की पावर एक्स, एफ वन की वैल्यू क्या है दो, दो की पावर एक्स। अब मुझे उसका समीशन करना है वन से लेकर के तक का, अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए
समीशन n इक्वल टू वन से लेकर के और दो की पावर क्या है x, मैं n की इसको n लिख देंगे, दो की पावर n। देखिए अब n की जगह क्या पुट करना है, पहले वन फिर दो से लेकर दो की पावर k तक करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट a कितना है दो, और r निकालने का फॉर्मूला होता है a टू बटे में a वन, तो दो की पावर दो बटे में दो तो क्या आ गया दो। और यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस वन डिवाइड में r माइनस वन, तो a क्या है यहाँ पे दो, दो की पावर n माइनस वन डिवाइड में दो माइनस एक, दो में से एक गया एक, तो ये आ जाएगा टू, टू की पावर n माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर हो गया ना, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया टू से, मल्टीप्लाई करते टू की पावर n प्लस वन और माइनस का दो, हो गया ना। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन है, अब हम सिर्फ जेई मेन वाले करेंगे। देखिए जेई मेन का एक क्वेश्चन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन। देखिए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर है एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स और एफ ऑफ ए प्लस वाई, वियर ए क्या है कॉन्स्टेंट, एफ जीरो की वैल्यू दे रखी है और हमें एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें कोई ट्रिक लगानी होती है। अब वो ट्रिक का हमें पता कैसे लगेगा, देखिए हमें एफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब एक्स क्या है जीरो, एक्स क्या होगा जीरो, तो मैं और मैं इसमें क्या करूंगी, और हमें वैल्यू निकालनी है टू ए माइनस एक्स की, मतलब वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, तो मैं इसमें एक्स और वाई की जगह जीरो पुट कर दूंगी, एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर दूंगी जीरो, फंक्शन में जीरो पुट करो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो गुना होगा तो एफ जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है वन, तो वन बराबर वन माइनस एफ ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई वन में से वन कैंसिल, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ चुकी है। तो अब मैं मुझे जो निकालना है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, तो मैं इस ए को तोड़ दूंगी, देखिए टू ए माइनस एक्स को तोड़ दिया, ए प्लस ए माइनस एक्स तोड़ दिया, तो इसको लिख दिया ए माइनस एक्स माइनस ए, लिख सकते हैं हम। तो अब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, मैंने देखा कि एफ ऑफ ए फंक्शन को अलग अलग लिख दिया, एफ ऑफ ए गुना में एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए, मतलब मैंने क्या किया रिप्लेस एक्स को ए से रिप्लेस किया है और वाई को एक्स माइनस ए से, मतलब ये एक्स है और ये क्या है वाई, याद रखना। तो हम इसमें किस में रिप्लेस करेंगे, इस फंक्शन में, तो एक्स की जगह ए पुट कर दो और वाई की जगह क्या पुट कर देंगे हम एक्स माइनस ए पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स, ठीक है। देखिए डोमेन, जनरली रियल फंक्शन इन कैलकुलस आर डिस्क्राइब बाय सम फॉर्मूला। थोड़ी देर पहले मैंने डोमेन के बारे में बताया था, डोमेन क्या होती है, जितने भी रियल वैल्यू होती है एक्स की उसको हम क्या बोलेंगे डोमेन, और जो डोमेन होता है ऑफ ए फंक्शन मीन्स फाइंडिंग ऑल रियल फंक्शन, तो ऑल रियल वैल्यू देता है, तो डोमेन कैसी देगा रियल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताइए, ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर क्या क्वांटिटी हमारे पास एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए ना, तो एक्स माइनस वन माइ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए जीरो, और अगली ये भी रूट के अंदर है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, तो इसका रूल पड़ा होगा एक्स की वैल्यू देखिए लाई करेगी जीरो और वन के बीच में, किसमें लाई करेगी जीरो और वन के बीच में, हो गया। अब ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब ओम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ओम स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों किया गया इसमें रूट कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये रूट कैंसिल वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे जीरो से वन के बीच में है तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया ये टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए आपको रूल याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस a, यूनियन इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, और a से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये आपको रूल याद होना चाहिए, जब x क्या हो ग्रेटर देन हो, x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो। तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया वन बाई रूट टू, तो क्या यही रूल फॉलो हो रहा है ना, तो a यहाँ पे क्या है वन बाई रूट टू, a क्या है यहाँ पे वन बाई रूट टू, तो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर गया, और x यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है जीरो से वन के बीच में। अब देखिए अब मैं एक नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे
देखिए एक स्टेप कह रहा है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, और एक कह रहा है कि x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 1 बाई रूट टू, माइनस के 1 बाई रूट टू। माइनस के 1 बाई रूट टू का मतलब माइनस रूट, देखो रेसलाइजेशन करो, रूट टू बाई रूट टू, इसकी वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाई 2, तो ये होएगा माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.7 तो यहाँ आएगा, तो वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और प्लस का 0.7 से इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ जाएगा, तो एक वैल्यू तो यहाँ है, एक बार x कह रहा है यहाँ पर, और एक बार कह रहा है कि वो x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, देखिए दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 1 बाई रूट टू से 1 के बीच में, क्योंकि देखो इस वैल्यू में ये वैल्यू आ गई, आ गई या नहीं, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट टू और 1 के बीच की, तो आपको ये वाला लेना है 1 बाई रूट टू और 1 के बीच की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू तो वैसे ही अलग है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये तो अलग हो गई, देखो इस बड़े में ये छोटा आ रहा है ना, तो ये छोटी वैल्यू कॉमन हो गई दोनों की, ओके, तो हमें ये वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस x2, वही सेम है, मैंने बताया था रूट की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो अब सबसे पहले पहला रूट हटाया हमने, उसके अंदर लिखा 1 माइनस 1 माइनस रूट में 1 माइनस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इसके अंदर इस वाले रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है 1 माइनस 1 माइनस x2, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इस रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है 1 माइनस x2, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए वही 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू x2 या x2 लेस दैन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू किसके, x2 माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 1 हो गया। इधर देखिए 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू ओन स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया ताकि रूट कैंसिल हो जाए, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 माइनस रूट में 1 माइनस x2, इधर 1 यहाँ पे ग्रेटर दैन, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और स्क्वायरिंग करके इसको सोल्व कर दिया, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो ये x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई किससे लेस देन, प्लस माइनस 1 से लेस देन, और यहाँ से ओन स्केयरिंग बोथ साइड किया तो x2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जब x2 बिलोंग करता है प्लस माइनस 1 के बीच में, इसका मतलब x बिलोंग करता है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, ठीक है, और ये वैल्यू आप फंक्शन में पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा द डोमेन ऑफ द फंक्शन हमें बतानी है, देखिए हमें पता है इस रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब देखिए गुना करूँ तो 6 जोड़ू तो कितना है 5 आए, तो 2 और 3 फैक्टर हो जाएंगे, इधर देखिए माइनस कॉमन ले लेना पहले, तो इसके फैक्टर बनेंगे x-4 x+2, देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन में इन्फिनिटी लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं ग्रेटर देन में, और लेस देन में उन दोनों के बीच के नंबर लेते हैं, तो ये -2 से 4 आ गया, लेस देन में कैसे लेते हैं इन दोनों के बीच में, जैसे x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4, तो -2 से 4 के आ गए, अब हमें देखना है दोनों में, देखिए अब इन दोनों का यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, इनका यूनियन क्या बनेगा, देखिए इसका यूनियन दिखा रखा है, मैं इसको ना नंबर लाइन पर डिनोट करके बताती हूँ आपको, देखिए एक हमें x दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 0 1 2 3, ठीक है, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 है, ठीक है, और फिर 3 से क्या है इन्फिनिटी, ये बात ये कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन है, ठीक है, अगला हमें क्या कह रहा है कि x बिलोंग करता है -2 से 4, माइनस दो से किस में बिलोंग कर रहा है, 4 में, -2 से 4 में, अब बताइए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखिए -2 से 4 में ये वाली रकम तो अलग हो गई है ना, तो इसलिए इसने क्या किया, देखो -2 से यहाँ तक चले जाओ, ये छोटा होएगा या नहीं, इससे इस पूरे में ये आ रहा है और इस पूरे में क्या आ रहा है हमारा 3 से 4 वाला नंबर, देखिए 3 से 4 वाला आ रहा है ना, तो ये इसमें कंटेन हो गया और ये वाली चीज़ इसके अंदर कंटेन होगी 3 से अप टू इन्फिनिटी, इसलिए इसने लिख दिया -2 से 2 यूनियन 3 से 4, इसलिए ये लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम सिर्फ जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे, देखिए इसमें भी डोमेन निकाल लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, हमें देखा 1/(x^12) (x^9) (x^4) -x+1, हम जानते हैं रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि नीचे रूट है,
ये बात याद रखना, जब भी नीचे रूट हो तो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, x की पावर 12 और x की पावर 4 को तो एक साथ लिख दिया, और माइनस कॉमन लेके x की पावर 9 और x को अलग लिख दिया, और प्लस में 1 ग्रेटर देन जीरो, दोनों में मैंने x कॉमन लिया, इन दोनों में x की पावर 4 कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया, x दोनों में क्या कॉमन हो गया, x की पावर 8 प्लस 1, ठीक है। और ये देखिए ये क्या बना हुआ है हमारे पास, इसको मैं एक बार सोल्व करती हूँ कॉपी पे, देखिए x की पावर 4 x की पावर 8 प्लस 1 माइनस x x की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हमारे पास है। अब इन दोनों में हम देखते हैं तो x की पावर 8 प्लस 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 x की पावर 8 प्लस 1, ये क्या है x कॉमन, तो ये क्या बचेगा x की क्यूब माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया ये। अब हमें देखना है, इट इज क्लियर ट्रू कि जो देखिए x की पावर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x की पावर 3 1 से क्या है बड़ी, x क्या होएगा यहाँ पे 1 से बड़ा होगा क्योंकि प्लस 1 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 1, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है, या x 0 से क्या होगा छोटा, ठीक है। अब मैंने ले लिया एक नंबर कि x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो x क्या है रेशनल नंबर, मान लो भाई 1/2 है, तो इसे क्या है x की पावर 4 x की पावर 8 से बड़ी है, ये देखिए 1/2 की पावर 4 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 8, तो ये 1/16 और ये 1/64, 64 इधर 16 इधर, तो ये ट्रू है ना ये बात, तो x की पावर 4 क्या होगी x की पावर 8 से बड़ी। अब दोनों में क्या जुड़ रहा है, एक एक जुड़ रहा है, देखिए x की पावर 8 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1, तो मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ दूंगी, जोड़ा मैंने, और इधर क्या किया मैंने x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से मैं पूरा फंक्शन इस तरीके से फॉर्म कर लूंगी। फॉर्म करने के बाद हमने देखा इसकी डोमेन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, कैसी होगी पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट हमारा देखिए, एक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं, देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6 और उसका रूट। हम जानते हैं नीचे की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए रूट के अंदर, तो अब इसके फैक्टर बनाए 3 और 2 बनेंगे फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 आ गई, और यहाँ पे ये क्या आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गई आ गई। तो यहाँ से मैंने बताया था जब लेस देन होता है तो वो यूनियन में लिखा जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन, और ये क्या है ग्रेटर देन है किससे 3 से, तो 3 से बड़ा क्या आएगा 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसको सीधे हम फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए, फाइंड द डोमेन सेट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, देखिए एफ एक्स हमें इधर का रूट के अंदर 1 माइनस मोड एक्स और 2 माइनस मोड एक्स, वही रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0 लिख दिया हमने, तो अब हमने इसमें नेगेटिव कॉमन लिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो सेम आ जाएगा, बस मोड एक्स पहले माइनस 1 फिर मोड एक्स माइनस के 2। अब यहाँ पर हम देखिए मोड एक्स माइनस 1 अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि ऊपर देखिए जैसे डिवाइड में जब भी रकम होती है ना तो ऊपर वाले को तो लेस देन 0 लिखते हैं और नीचे वाले को ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले को हमने लिख दिया लेस देन और नीचे वाले को लिख दिया ग्रेटर देन लिख दिया, और इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो 2 के इक्वल हो जाता है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ से x जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो मोड x की वैल्यू क्या आती है माइनस 1 से प्लस 1, और ग्रेटर देन पे हम क्या लिखते हैं हमेशा इन्फिनिटी वाला यूनियन वाला टॉपिक यूज करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और 2 से इन्फिनिटी इक्वल है नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे रेंज, द रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच अटेन एट पॉइंट्स इन इस डोमेन। मैंने बताया था जिन जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है वो रेंज होगी जिसमें रिलेशन बनेगा। फॉर ए रियल फंक्शन द को डोमेन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ आर, को डोमेन मैंने बताया था रियल नंबर का क्या होता है सेट सबसेट होती है, और जो रेंज होती है वो वाई की सारी वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन क्या होता है डिफाइन, और एक्स किसका एक्स बिलोंग करता है डोमेन के अंदर। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, एफ एक्स को वाई पुट कर दो और इक्वेशन को सोल्व कर दो, एक्स की टर्म में सोल्व कर दो। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे एफ एक्स बराबर है एफ एक्स बराबर क्या है एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मैंने एफ एक्स की जगह पुट कर दिया वाई, एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मैंने इसको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई प्लस में वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अब मैं क्या करूँगी इस फंक्शन को एक्स की टर्म में निकालूंगी, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स, और मैं ऐसे करती हूँ इसको इधर ले जाती हूँ, वाई बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस वाई एक्स है ना,
और ये y, तो यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, तो ये यहाँ से आने में इसको दिक्कत आएगी, है ना। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x में। देखिए ये मैं इधर ले जाती हूँ, y x का स्क्वायर माइनस का x प्लस में y बराबर जीरो बन गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू है y, b की वैल्यू क्या है माइनस वन, c कितना है अपना y, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी क्या है यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर फोर गुना में, a कितना है y, c भी कितना है y, तो ये आएगा वन माइनस फोर वाई का स्क्वायर, तो रूट डी क्या जाएगा वन माइनस फोर वाई स्क्वायर का रूट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए माइनस बी, बी कितना है माइनस वन, तो वन प्लस माइनस रूट डी कितना है वन माइनस फोर वाई स्क्वायर डिवाइड में टू मल्टीप्लाई ए कितना है वाई, ये हमारा बन गया यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास ये रकम आ गई है, आ गई, और हम जानते नहीं रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो, और नीचे की क्वांटिटी वाई कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सोल्व करूंगी, देखिए वन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से फोर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई टू का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई टू के बीच में आ गई, आ गई, तो वाई बिलोंग कर गया माइनस के वन बाई टू से प्लस के वन बाई टू के बीच में, लेकिन हमें पता है कि वाई जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमने कही है, तो इन दोनों के बीच में जीरो भी आ जाता है, आ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जीरो को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, अगर मैंने ऑल्सो वाई बराबर जीरो फॉर एक्स बराबर जीरो के लिए, देखिए एक्स को अगर मैं जीरो पुट करती हूँ तो वाई भी जीरो हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना पूरी इक्वेशन पे, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रू, ये ही हमारा रेंज कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले में बताना है रेंज ऑफ फंक्शन, देखिए एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइंड है सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है हमारा रियल नंबर, तो अब मैं क्या पुट करूंगी यहाँ पे, देखिए हमें क्या निकालना है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं इसकी जगह वही पुट कर दूंगी। अब देखिए इसने इसमें ना डेरिवेटिव वाला तरीका यूज कर रखा है, क्या यूज कर रखा है, डेरिवेटिव वाला तरीका, तो मैं इसको उस तरीके से करती हूँ जो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैंने किसके ऊपर रख दिया, वाई के, एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, तो आप है ना एलिमिनेशन मतलब इसमें वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हो, लेकिन एक बार हम यही तरीका लगाते हैं, अगर मैं ये लगाती हूँ तो ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बराबर आएगी एक्स की पावर चार प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में वन, और वाई हो जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालूंगी तो वाई एक्स, देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं डेरिवेटिव वाला तरीका यूज कर लूँगी जो इतना यूज कर रखा है। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा कोई भी एक्स की वैल्यू रियल पुट कर सकते, ये बात सच है, कोई भी पुट कर सकती हूँ, इससे फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा। अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर देती हूँ, जीरो, तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऊपर लेके जाऊंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो क्या बना टू एक्स प्लस प्लस में टू एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या बनेगा टू एक्स की क्यूब प्लस में टू एक्स प्लस में टू एक्स, तो ये बना टू एक्स की क्यूब प्लस में फोर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों में टू एक्स कॉमन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के दो डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आने के बाद अब इसने क्या कर रखा है, देखिए एफ डैश एक्स निकाला है इसने, इसने निकाला है टू एक्स की क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स की क्यूब डिवाइड में, हाँ अब इसने क्या किया इनको अलग अलग कर दिया, टू एक्स की क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन और फोर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख दिया, और इसे क्या कि इसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या आएगी जीरो, क्या आएगी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऊपर लेके आई माइनस वन, हाँ जी इसमें मैंने मिस्टेक करी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी ना तो माइनस वन पहले बार बार आएगी, यस इसका डेरिवेटिव गलत हो गई है, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स और इसका होता है माइनस वन बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस के दो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू एक्स, तो यहाँ पे बनेगा टू एक्स माइनस का टू एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर दो, ये आएगा, ये अगर मैं टू एक्स कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे बचेगा वन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो टू एक्स बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस का वन, तो ये बनेगा टू एक्स
एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ये बना 2x इंटू में एक्स की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं इनमें कॉमन लेती हूँ तो ये कटविट जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। तो इस जब भी आपके पास ऐसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें रेंज निकालनी हो, सबसे इजी मेथड है कि जो ऑप्शन है ना उसको ट्राई कर लो आप। जैसे मैंने एक्स की जगह अगर 1 पुट किया, तो अगर मैं 1 पुट करती हूँ, इसे कह रखा है रेंज में 1 से लेकर इन्फिनिटी आ सकता है। तो इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए एफ डैश एक्स निकाला इसने, जैसे निकाला, हाँ ये मैंने निकाल लिया, मेरे को पता है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा तो नेगेटिव क्वांटिटी तो कोई भी आएगी नहीं, आएगी नहीं। और हमारे पास क्या दे रखा है कि फंक्शन कैसा है, यहाँ पे इवन फंक्शन दिखाई दे रखा है इसने कि एफ 0 बराबर क्या है 1, वाई की वैल्यू 1 आ रही है ना 0 पे। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी के लिए और इसमें रेंज 1 से इन्फिनिटी दिखा रखी है ना, 1 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी कभी नहीं है। तो अब देखो रेंज दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसने क्या रखा है, जो फंक्शन है ना हमारा वो कैसा है, हमारा रियल फंक्शन है। अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूँ, मान लो 0 पुट किया तो 0 बाय 1 1 आ रहा है, हाँ तो हमने फंक्शन देखा कि 0 पे 1 आ रहा है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो 1 तो आ ही रहा है और अप टू पॉजिटिव जाता जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कर देंगे इसको, कई बार हम कई क्वेश्चंस में पजल भी हो जाते हैं रेंज वाले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए वाई इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी, देखिए वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आर पर गुणा कर लिया तो यह आया एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में वाई माइनस 1 बराबर 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में वाई माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट में वाई माइनस 1 आ गई। और हम जानते हैं रूट की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो वाई किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, ठीक है। तो वाई किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। तो यहाँ पे 1 से बड़ा क्या है, अब इसमें चेक कर लीजिए, 1 से बड़ा, देखिए ये 1 से बड़े नहीं है, तो 1 से इन्फिनिटी और 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इंक्लूड है तो हमारा 1 से इन्फिनिटी ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द रेंज ऑफ द फंक्शन, देखो डिवाइड में नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए, तो नीचे वाले के फैक्टर निकाल लेंगे, नीचे वाले के फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के 3 और 2 बनेंगे फैक्टर, तो इसका मतलब जो डोमेन में है वो रियल नंबर में से माइनस 3 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके फैक्टर बना लूँगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस के 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x माइनस के 6 माइनस का 2x सॉरी। तो इसमें x कॉमन x माइनस का 2 माइनस के 1 कॉमन x माइनस 2 डिवाइड में x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन डिवाइड में x प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 x माइनस 1, नीचे आएगा x माइनस 2 और x प्लस 3, ये इससे कैंसिल, तो ये बचा x माइनस 1 और x प्लस 3 बचा। तो अब इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ y से, किससे रिप्लेस कर देती हूँ, y से। देखिए जैसे हमारे पास बचा y बराबर बचा x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 3, r पर गुणा कर दूंगी तो y x प्लस में 3y बराबर है x माइनस 1, तो यहाँ से मैं x को इधर ले जाती हूँ, y x माइनस का x बराबर माइनस 1 माइनस का 3y, यहाँ से x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा y माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस का 3y, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस कॉमन 3y प्लस 1 डिवाइड में y माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस y, ये कैंसिल, तो हमारे पास ये रकम आ गई। और नीचे वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो y 1 नहीं होगा, y क्या नहीं होगा, 1, तो इसलिए हमारी रेंज जो है 1 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है।